साफ करूं साफ करूं घरे साफ करूं। हेलो शर्मिला, मुझे तो कल रात भर नींद नहीं आई। वो चिट्ठी आई थी ना, उसमें कल की धमकी दी है, पता नहीं कल क्या होगा। ऐसा क्या तुम कल का टेंशन लेके बैठी हो? कल जो होगा वो देखा जाएगा। आज संडे है, संडे स्पेशल को एंजॉय करो। साफ सफाई चल रही है? हाँ साफ सफाई कर रही हूँ, बहुत गंदा हो गया है घर। अच्छा है अपने पल्लू को काम पे लगा दिया है। हमारे घर में कभी गंदगी होती ही नहीं, ब्रांडेड घर है मेरा, कभी गंदगी नहीं होती उसमें। क्या हुआ शशि बहन, हंस क्यों रही हो इतना? अच्छा शौक था सुमित्रा बहन। अरे तुम भी हंस रहे हो, ऐसा क्या हो गया? नहीं दोनों क्यों हंस रही हो? जाने दो जाने दो, तुम नहीं समझोगी। उरे बाबा शाते हैं। क्या उधर तो देखो रसगुल्ला। अच्छी खच है, बात कर रही है शायद किसी से। किसके साथ बात कर रहा है? ओके चांपली है एक नंबर की, अभी जिससे बात कर रही होगी शायद वही होगा, बहुत हंस हंस के बात कर रही है। अभिजीत को इसने सबके सामने रिजेक्ट कर दिया, सदमे में बेचारा सोसाइटी छोड़ के चला गया, वो क्यों करेगा इसको कॉल? पर दोस्त की थोड़ी टूटी होगी, ऊपर ऊपर का था वो, अभी भी दोस्त होंगे दोनों। मुझे नहीं लगता। शर्वरी से पूछते। हाँ पूछते पूछते। शर्वरी जी। अच्छा तुमको तो बिल्कुल भाव नहीं देती वो। शर्वरी जी। ए रसगुल्ला। लगता है उनको रसगुल्ला नाम कुछ ज्यादा ही अच्छा लगता है। बरोबर। उरे बाबा सब बदमाश औरतें एक साथ हैं, अब जरूर कुछ फालतू सवाल जवाब पूछेंगे। किसके साथ बात कर रही थी आप? आपको क्या करना है जान के ऐसे ही ऊपर ऊपर का पूछ रहे? कौन था, कोई अभिजीत तो नहीं? बोलिए बोलिए, अभिजीत था। बोलो बोलो था क्या? मुंह में रसगुल्ला ठूस दिया, बोल नहीं रही ना इसलिए मैंने बोला। ना ना अभिजीत का नहीं था। होगा भी कैसे, नहीं कैसे हो सकता है, अभी आपने भरी महफिल में उसको रिजेक्शन का चांटा जो मार दिया। और नहीं तो क्या, बेचारा आपकी वजह से ही सोसाइटी छोड़ के चला गया। वाह आप भूल भुलैया की तरह घूम फिर के उसी टॉपिक पे आ गए। मैंने बहुत बार बोला है अभिजीत मेरी वजह से नहीं गया। अरे फिर किसकी वजह से गया? के अंधे हैं जो आपको कुछ दिखाई नहीं देता। वैलेंटाइन के वीक में उसने आपको परापर किया। प्रपोज शर्मिला प्रपोज। तेज थे, आप ही ने उसको मना किया था ये बोल के कि सबसे पहले आपको जॉब चाहिए उसके बाद आप शादी करोगे। आजकल तो पता है जॉब का क्या है, कहां कैसे मिलती है। और नहीं तो क्या, जॉब मिलना अब आसान नहीं रहा, बहुत मुश्किल है। इतना अच्छा बचपन के दोस्त में पति मिल रहा था, उसको भी ठुकरा दिया बेचारा, सोसाइटी छोड़ के चलो। आपकी हालत ना अभी वैसी हो गई है घर की ना घाट की। कम से कम हाँ कर दी थी उसको, हम सबको पता है तू प्यार करती है उससे। किसने बताया आपको? शर्वरी जी आपने जो खेल खेला ना अभिजीत के साथ, हम सब ने भी खेला है, बहुत अच्छे से खेला है, पर हमने ऐसी दगाबाजी नहीं की, आपने दगाबाजी की। हाँ ना धोखे पास कही की। मैंने कुछ धोखा नहीं दिया उसका। बस बस मैं अंदर से सा तेरी तेरा मुंह ही बांधती हूँ पागल में तेरा मुंह। नहीं नहीं सासु मां देखे ना शुरा की दादी, पागल कर दिया है मुझे। क्यों तुम सब शर्वरी के ऐसे हाथ धो के पीछे पड़े हो? वो फुसका फुस हो गया, इसमें मिस ब्यूटीफुल की क्या गलती? फुसका किसकी वजह से गया? ये देखो बहुत हो गया, अभी आगे से तुम तीनों मैनर्सलेस मिस ब्यूटीफुल को बिल्कुल परेशान नहीं करोगी। ठीक है पर हमारी भी एक शर्त है। कैसी शर्त? रुको जरा बताती हूँ। आ जाएगी ये टोटके पर औरत, यहाँ पे जरा टोटका मत शुरू कर। अरे टोटका कर रही है टोटका। डरिए मत, कोई टोटका नहीं कर रही मैं, आपका थोड़ा जेबी होता है। शर्वरी जी ऊपर आइए, इसको पकड़िए। अभी आपको मैं एक टास्क दूंगी, आपको वो करना है, अगर आप टास्क में सफल हो गई तो हम आपको परेशान नहीं करेंगे। आपका टास्क ये है, आपको ये दिया हाथ में लेके डांस करना है। डांस? हाँ, और दिए का भी ध्यान रखना है, दिया बुझना नहीं चाहिए, अगर आपका दिया बुझा तो हम आपको परेशान करेंगे। क्या कुछ भी फालतूगिरी है ये? फालतूगिरी नहीं है, बहुत अच्छा आइडिया है शर्मिला। बोलिए शर्वरी जी क्या आप ये करोगे? अगर आपने किया तो हम आपको परेशान नहीं करेंगे। करो करो मिस ब्यूटीफुल, दिखा दो इनको अपना जलवा। ठीक है मंजूर है,
म्यूजिक। पगली दीवानी दुनिया से है ये अनजान।
शर्वरी जी वेरी वेरी मच सॉरी, पर आपका दिया बुझ गया है तो हम आपको परेशान करेंगे। ये हार गई हार गई। तुम सबकी वजह से चली गई वो। हमने तो कुछ नहीं किया बाबा, हमने कुछ नहीं किया।